नमस्कार दोस्तों, बेस्ट सिटी इन इंडिया गवर्नमेंट जॉब पर हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। अभी तक आपने हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर ले दोस्तों, क्योंकि भविष्य में डिफेंस जॉब से रिलेटेड सारी जानकारी आपको इसी चैनल के माध्यम से मिलती रहे दोस्तों। दोस्तों मैं आज आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना लेकर आया हूँ, जो है ITPP कांस्टेबल ट्रेड्समैन एग्जाम के बारे में। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि अपना एक नोटिस वायरल हो रहा है, जो ITPP कांस्टेबल ट्रेड्समैन की रिकॉर्डिंग है और दिल्ली हाई कोर्ट का नोटिस है। दोस्तों इस नोटिस के अंदर पूरी जानकारी दे रखी है आपकी, कितनी पोस्ट इंक्रीज हुई है और अपने ट्रेड टेस्ट के नंबर जुड़ेंगे या नहीं जुड़ेंगे, अपनी सैलरी कितनी है, मेडिकल कैसे होगा, पूरा दोस्तों ये डाटा हाई कोर्ट में मंगाया गया था दिल्ली दोस्तों 2018 में। तो आप इसी वीडियो को अंत तक देखें, बीच में स्किप ना करें दोस्तों, ठीक है। शुरू करते हैं दोस्तों। दोस्तों आप सभी को मालूम है कि अपना फिजिकल होने के बाद में 2018 में ये भर्ती कोर्ट में चली गई थी ट्रेड टेस्ट के नंबर के ऊपर, आपको मालूम है, क्योंकि दोस्तों आपको मालूम है कि 2017 में नवंबर में संविधान में संशोधन किया था पहली दूसरी तीसरी और चौथी अनुसूची में, और वहाँ लिखा गया था कि अपने ट्रेड टेस्ट के नंबर हैं जो ग श्रेणी के कर्मचारी है उनके ट्रेड टेस्ट के नंबर नहीं इंक्रीज होंगे और इंटरव्यू नहीं होगा, ठीक है। इंटरव्यू बंद कर दिया गया, ओनली फॉर ऑफिसर्स के लिए ही इंटरव्यू लागू किया गया था दोस्तों, ठीक है। तो उसके लिए ये भर्ती क्या थी, कोर्ट में चली गई थी दोस्तों। तो इस कोर्ट में क्या हुआ कि पूरा डाटा मंगाया गया था ITPP से, तो उन लोगों ने ये डाटा पेश किया था और ये सूचना है जो आप देख रहे होंगे, रजिस्ट्री संख्या है DL 33004/99 दोस्तों, ठीक है। ये रजिस्टर्ड नंबर है, भारत का राजपत्र है द स्टेट ऑफ इंडिया, ठीक है दोस्तों। असाधारण भाग सेकंड भाग खंड तीन उपखंड एक, ठीक है दोस्तों। पार्ट सेक्शन नंबर तीन सब सेक्शन नंबर फर्स्ट, प्राधिकार से प्रकाशित पब्लिक बाय अथॉरिटी, यानी पब्लिक के लिए अथॉरिटी की गई है ये चीज़ें, जो दिल्ली हाई कोर्ट में मंगाई गई थी 28 जून 2018 67/1940 की, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि इसमें क्या क्या दे रखा है, क्या अपने ट्रेड टेस्ट के नंबर जुड़ेंगे या नहीं जुड़ेंगे, और अपना रिजल्ट कैसे बनेगा, कितनी पोस्ट खाली है, किस किस ट्रेड में, सारी जानकारी है दोस्तों। तो आप अंत तक वीडियो जरूर देखें, वीडियो बड़ा हो सकता है दोस्तों, ठीक है। और जो कई कोचिंग क्लासेज है वाले हैं जो ऐसे ही फ्रॉड बता रहे हैं कि इतनी 100% हो जाएगी वैकेंसी, तो दोस्तों उसका भी हम विश्लेषण करेंगे या साथ में, ठीक है दोस्तों। और ये नोटिस तो कब का आ गया था हमारे पास में, 2 दिन हुआ, पर हमने समझने में इसको टाइम लगाया और पूछ के पता किया कि ये नोटिस फ्रॉड है या नहीं है। और उन लोगों के पास तो आते ही ये वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया, लेकिन उनको पता नहीं कि नोटिस किस चीज़ का है दोस्तों, ठीक है। तो हम आपको विश्लेषण के साथ पूरी जानकारी देंगे दोस्तों, क्या है ये नोटिस, तो आइए चलते हैं इसके बारे में जानकारी प्राप्त करें दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ लिखा हुआ है सीरियल क्रमांक नंबर 1519, केंद्र सरकार भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल अधिनियम 1992 का 35 की धारा 156 की धारा 2 के खंड ख द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल कांस्टेबल जलवाक और कांस्टेबल सफाई कर्मचारी समूह ग पद भारतीय नियम 2010 और भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल कांस्टेबल रसोईया कांस्टेबल धोबी और कांस्टेबल नाई समूह ग पद भर्ती नियम 2010 को उन बातों के सिवाय अधिकृत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोभ किया गया। भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल में समूह ग के अनुगामी कार्डर के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियम करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये इन्होंने दे रखा है कि जो 2000 ग पद भर्ती नियम 2010 और भारत तिब्बत सीमा पुलिस कल कांस्टेबल रसोईया कांस्टेबल धोबी और कांस्टेबल नाई समूह ग पद भर्ती नियम 2010 को उन बातों के सिवाय अधिकृत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिकरण से पहले किया गया। तो दोस्तों मैं बता दूँ ना, अपना जो नियम लागू हुए थे ये भर्ती के नियम थे जो 2010 के नियम थे, ठीक है दोस्तों। इन्होंने क्या किया कि नवंबर 2017 में मतलब 2016-17 में ये एक संविधान संशोधन हुआ था पहली दूसरी तीसरी चौथी अनुसूची में, ठीक है दोस्तों। तो उस अनुसूची के अनुसार ये जोड़ा जाए या ना जोड़ा जाए, ठीक है, तो इनके लिए मंगाए गए। लेकिन इन्होंने क्या किया कि 2010 के अनुसार नियम के आधारित भर्ती निकाली थी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट CAPF के नियम थे, सेंट्रल आर्म पुलिस बल के, ठीक है दोस्तों। तो देखते हैं नीचे क्या दे रखा है इन्होंने, संक्षिप्त नाम और प्रारंभ। इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय सीमा पुलिस बल कांस्टेबल जलवाग सफाई कर्मचारी रसोईया धोबी और नाई समूह ग पद भर्ती नियम 2018।
2018 के नियम है जो इसमें जोड़ा जाना चाहिए। ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख के प्रवर्तन हो गए। यानी दोस्तों राजपत्र की प्रकाशित यानी अपना जो हाईकोर्ट में मंगाया गया राजपत्र था तो उसी के आधार ही ये परिवर्तित हो गए दोस्तों, ठीक है। लागू होने के नियम, इन नियमों के उपबंध अनुसूची के संदर्भ एक में विनिश्चित पदों पर लागू हुई। दोस्तों मैं बता दूँ कि अनुसूची संविधान के अनुसूची एक के अंदर इनका वो दे रखा है वेतन और भत्ता, ठीक है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 2017 में वेतन और भत्तों में क्या हुआ कि संशोधन कर दिया गया, सातवां वेतन आयोग लग गया था। तो सातवां वेतन आयोग में अपना जो सैलरी थी जो 21,000 से लगाकर 69,000 तक कर दी गई थी दोस्तों, तो वो क्या है कि इसमें लागू है दोस्तों, आप उसी विज्ञप्ति में जाकर देख सकते हो दोस्तों, ठीक है। अब बारी आती है कि पदों का वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक स्तर, ठीक है दोस्तों। तो मैंने आपको बता दिया ना अनुसूची एक में ये नियम दर्शाते उप पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण वेतन में मैट्रिक में स्तर वे होंगे इन नियमों के उपबंध अनुसूची के संदर्भ दो के स्तंभ चार में अनुसूची दो के भाग चार में जो वर्धित है, ठीक है दोस्तों। भर्ती की पद्धति, आयु सीमा और अन्य अर्थाएं आदि, भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्थाएं, उससे संबंधित अन्य बातें वे होगी जो उपयुक्त अनुसूची के संदर्भ में 5 से 13 में विदिष्ट है। तो दोस्तों मैं बता दूं, अर्थाएं यानी अपनी शैक्षणिक योग्यता वगैरह, ठीक है, और अन्य बातें जो होगी जो अनुसूची 5 से 13 में विनिर्दिष्ट है दोस्तों। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अनुसूची 5 में यह संविधान में संशोधन कर दिया गया था कि ग श्रेणी के कर्मचारियों के लिए इंटरव्यू के नंबर नहीं जुड़ेंगे या ट्रेड टेस्ट के नंबर नहीं जुड़ेंगे। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ क्लियर कर देता हूँ कि अपनी भर्ती के ट्रेड टेस्ट के नंबर अगर इसके रिकॉर्डिंग चले तो बिल्कुल नहीं जुड़ेंगे दोस्तों, ठीक है। अपना मेरिट है जो ओनली फॉर एग्जाम के ऊपर ही बनेगा दोस्तों, ठीक है। आपको मैं क्लियर कर दूं कि अगर इसी के अनुसार चले तो अपने ट्रेड टेस्ट के नंबर हैं जो बिल्कुल नहीं जुड़ेंगे दोस्तों, ठीक है। ओनली फॉर एग्जाम के ही नंबर जुड़ेंगे। और ये नोटिस कब का है, आपको मालूम है कि अपना फिजिकल होने के बाद में ट्रेड टेस्ट बहुत लेट हुआ था, लगभग 1.5 साल बाद। तो इसी कारण ही ये ट्रेड टेस्ट बहुत लेट हुआ था दोस्तों, क्योंकि ट्रेड टेस्ट की ट्रेड टेस्ट के क्वालिफाइंग के नंबर मिलते हैं, आप CASF के अंदर भी देख लेना, बिल्कुल स्पष्ट नंबर दिए। मैं CASF ट्रेडमैन का फिजिकल लेके आया और साथ में ट्रेड टेस्ट हुआ था, जब मेरे को भी नंबर मिला था दोस्तों, वहाँ नंबर मिले थे 10-15 अलग अलग, ठीक है। और जो नंबर क्वालिफाई कर गया उसको पास कर दिया गया, यानी एग्जाम के अंदर बिल्कुल नंबर नहीं जोड़े जाएंगे इसके टेस्ट के दोस्तों, तो ठीक है वो नंबर अपनी आईडी पे दर्शाए गए हैं, ठीक है दोस्तों। CASF की आईडी है नहीं, क्योंकि भर्ती ऑफलाइन है दोस्तों, ठीक है। तो यह डाउट आपका क्लियर हो गया होगा दोस्तों, ठीक है। अब बारी आती है निहित और अर्थ आयु सीमा के अंदर, ठीक है दोस्तों। तो मैं बता दूं कि जिसने ऐसे व्यक्ति जिसका पति व जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की सुविधा की है, या ख जिसमें अपने पति या पत्नी को जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया या विवाह की सुविधा किया, तो उक्त पद की पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। तो ये बिल्कुल दे दिया है इन लोगों ने, ठीक है। अब बारी आती है, परंतु यदि केंद्र सरकार या यह समाधान होता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वयं विधि के अधीन अनुज्ञा है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम में परिवर्तन करने की छूट दी जा सकती है। अगर केंद्र सरकार के अंदर इसका कोई कोर्ट में अगर फैसला सुरक्षित रखा गया है और सही पाया गया है तो इनको आयु सीमा में छूट दी जाएगी, यानी विधवा विवाह की, ठीक है दोस्तों। कहते हैं ना हिंदी में विधवा विवाह और पुनर्विवाह, तो उन लोगों की यह है जो केंद्र सरकार ने अगर कोर्ट में सही पाया गया तो उनको आयु में छूट मिलेगी दोस्तों, ठीक है। अब बारी आती है चिकित्सक की दक्षता। इन नियमों की बात के होते हुए भी केवल वे व्यक्ति जो चिकित्सा प्रवर्ग से स्वयं इन नियमों के उपबंधों के अधीन नियुक्ति के लिए पात्र होंगे दोस्तों, ठीक है। अगर ये ऐसे व्यक्ति चिकित्सा के अंदर होते हैं तो नीचे नियम दे गए, इन नियमों के अनुसार वो चिकित्सा के पात्र। अब तो मैं आपको बता दूं, चिकित्सा परीक्षण तो सबका एक ही होगा दोस्तों, ठीक है। यह लिखा हुआ है मनोवैज्ञानिक श्रवण शक्ति, उपांग, अप जेंडर, शारीरिक क्षमता और दृष्टि शक्ति सबकी समान होनी चाहिए दोस्तों, वो तो मेडिकल में अपन पहले ही पढ़ लिए थे दोस्तों, ठीक है। अब बारी आती है कि अपने पोस्ट कितनी इंक्रीज हुई है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं स्पष्ट ये पोस्ट इंक्रीज नहीं हुई है दोस्तों, ठीक है। मैं आपको बता दूं, जो कोचिंग सेंटर इंस्टीट्यूट वाले बोल रहे हैं और आप भी समझ गए होंगे कि इतनी पोस्ट आपकी इंक्रीज हो गई दोस्तों, तो मैं दोस्तों ये इंक्रीज नहीं हुई है दोस्तों, ठीक है। मैं आपको बता दूं इंक्रीज कितनी होगी पोस्ट, तो दोस्तों मैं बता दूं, सबसे पहले दे रखा है पद का नाम, पद संख्या, पद का वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक में स्तर, चयन का या अचयन पद, ठीक है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कांस्टेबल रसोया के 1510
इनके पास पद हैं जो खाली है 2018 तक के, टोटल कांस्टेबल रसोईया के, ठीक है दोस्तों। और वो है जो कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है दोस्तों, ठीक है। तो इनमें लिखा हुआ है दोस्तों, स्पष्ट दे रखा है ना, 1510 प्लस वैकेंसी इनके पास 2018 तक खाली थी दोस्तों। तो अभी तो 2021 आ गया दोस्तों, इनके पास लगभग 2000 के आसपास वैकेंसी खाली हैं दोस्तों आज की तारीख में रसोई की यानी कुक मैन की दोस्तों। और वो भी कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है दोस्तों। और क्या दे रखा है पद का वर्गीकरण, समाधान ग केंद्रीय सेवा समूह ग अराजपत्रित अनुसूची है, ठीक है दोस्तों। स्तर 3 मैट्रिक अपना वेतन होगा जो 21,700 से 63,100, और चयन या अचयन पद है जो लागू नहीं है, चयन कितने किए गए इसमें से। तो दोस्तों मैं आपको स्पष्ट डाउट क्लियर कर लूँ, अगर इनके पास 1510 पद खाली हैं तो आप मान के चलो ये 600 पद तो भरने के भरने हैं इनको, ठीक है। पूरे पद, क्योंकि पूरे के पूरे पद तो भरे नहीं जाते हैं, कोई भी डिपार्टमेंट देख लो पूरे के पूरे पद नहीं भरे जाते। 600 पोस्ट तो आप इनमें से 50 तो भरने ही भरने हैं इनको, क्योंकि यहाँ दे रखा ना चयन या अचयन पद। तो इनमें इन्होंने क्या किया है कि यहाँ लिखा नहीं है लागू नहीं होता है, यहाँ बताया नहीं है, इन्होंने सार्वजनिक नहीं की ये चीज़ें, क्योंकि वो उसी टाइम में पता चलेगा कि इनको कितने की ज़रूरत है और कितने की जरूरत। तो मान के चलो आपके पास 600 पद आपके सुरक्षित है, और ये भी ध्यान रख लेना भले आप रिजल्ट आए अगर इसके अकॉर्डिंग चला तो आपका कुक मैन की पद है जो 600 प्लस हो गए हैं दोस्तों, ठीक है। बहुत ही बड़ी खुशखबरी है आपके लिए दोस्तों, ठीक है। अब बारी आती है इनकी आयु है जो 18 से 25 वर्ष के बीच रखी गई है, और आयु सीमा और केंद्र सरकार समय समय पर जारी किए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवाओं के लिए 5 वर्ष तक शिथिल तक की जा सकती है। केंद्र सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए अनुदेशों और ऊपरी आयु सीमा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की दशा में 5 वर्ष और अन्य पिछड़े वर्ग के लिए विशेष प्रवर्गों और व्यक्तियों की दशा में 3 वर्ष की शिथिलता दी जा सकती है, ठीक है दोस्तों। अब बारी आती है अपन, देखो इसमें अपना है ना जो ट्रेड टेस्ट की नंबर है जो बिल्कुल इसके अंदर नहीं दे रखा दोस्तों, क्योंकि जुड़ेंगे ही नहीं दोस्तों, ये मसला हल कर दिया गया है मेरे हिसाब से तो दोस्तों, ठीक है। जहाँ तक मैंने जानकारी प्राप्त की है अभी तक ये जानकारी किसी को प्राप्त नहीं थी दोस्तों, ठीक है। ये 2 दिन से नोटिस वायरल हो रहा है दोस्तों, कल शाम को रात मेरे पास 9 बजे ये नोटिस आ गया था दोस्तों, ठीक है। पर मैंने इसका पूरा मसला हल करके ही फिर बाद में वीडियो बनाया, ठीक है दोस्तों। तो मुझे आशा है कि बिल्कुल ट्रेड टेस्ट के नंबर नहीं जुड़ेंगे, ओनली फॉर एग्जाम के अकॉर्डिंग ही अपने जो मेरिट बनेगी दोस्तों, ठीक है। अब ये आपको पता है फिजिकल तो हो गए अपना, तो इसमें कोई मतलब है नहीं दोस्तों। अब बारी आती है कांस्टेबल धोबी के 856 पद है जो 22 है दोस्तों, ठीक है। यानी कुल पद खाली है इनके पास, ठीक है, और कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है दोस्तों। 856 में से मान के चलो आपको इसके है ना 400 पोस्ट तो भरनी की भरनी है दोस्तों, ठीक है। धोबी की बिल्कुल राइट बात है दोस्तों, और बिल्कुल सही नोटिस है आपको मैं बता दूँ, ठीक है। तो दोस्तों 400 पद बिल्कुल कम नहीं है दोस्तों, लगभग पढ़ने वाले मेरे भाई बंधुओं का सभी का नंबर आने का पूरा पूरा चांस है दोस्तों। और वीडियो बहुत बड़ा होने जा रहा है, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखना दोस्तों, बीच में स्किप ना करना, ठीक है दोस्तों। अब बारी आती है दोस्तों, तो ये बातें क्या कि आप अपना अपना खुद देख लेना, क्योंकि मैं इस PDF का लिंक है जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना दोस्तों, ठीक है। क्योंकि नहीं तो वीडियो बड़ा हो जाएगा, मैं पोस्ट इंक्रीज कितनी हुई है वो बता देता हूँ दोस्तों, ठीक है। अब आती है कांस्टेबल नाई की 767 पोस्ट है दोस्तों, तो मैं आपको बता दूँ कुल पोस्ट है और कितनी भरी गई है या नहीं दिए गए हैं दोस्तों। तो मान के चलो तो 50 तो भरनी है दोस्तों, 700 में से 250 तो भरनी है दोस्तों इनको, ठीक है दोस्तों। तो मान के चलो कांस्टेबल नाई वालों की 250 पोस्ट हो गई है दोस्तों, आप खुश रहिए, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो बनता ही है दोस्तों, आपके लिए बहुत अच्छी न्यूज लेकर आए हो दोस्तों, ठीक है। तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलेगा दोस्तों, और बाकी शैक्षिक अर्हताएँ और शारीरिक मानसिक ये सारा आप सब देख लेना, ठीक है, PDF के अंदर। और अब नीचे पोस्ट आई है कांस्टेबल जलवाक, बहुत ही अच्छी खबर, सबसे ज़्यादा पोस्ट दोस्तों 1359 पोस्ट, यानी लगभग 700 पोस्ट इंक्रीज है वाटर कैरियर की, बहुत ही अच्छी खबर, ठीक है दोस्तों। 700 पोस्ट तो इनको भरनी की भरनी है, ठीक है दोस्तों। मैं आपको बता दूँ 50 तो भरेंगे, ज़्यादा नहीं तो दोस्तों मैं बता दूं 700 पोस्ट है जो 100% इनको भरनी के भरनी है दोस्तों, ठीक है। बहुत ही अच्छी खबर है जलवाग के लिए दोस्तों, ठीक है। अब नीचे जाते हैं और बहुत सी पोस्ट है, अब आती है कांस्टेबल सफाई कर्मचारी दोस्तों, 1382 पोस्ट दोस्तों, बराबर मैं आपको बता दिया ना कि बहुत अच्छी खबर है सफाई वालों के लिए भी, 1382 इसमें से 700 तो भरेंगे ही भरेंगे दोस्तों।
मैं आपको बता दी, बहुत ही अच्छी खबर है दोस्तों। अगर 700 नहीं किया, 500 तो भर देंगे तो भी अपना काम हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, पढ़ने वाले सभी भाइयों का ना। और मैं तो आशा करता हूँ मेरे क्या घर से जा रहा है दोस्तों, अगर पूरे के पूरी भरा तो अपने पढ़ने वाले सभी भाई बंधुओं का, 40,000 बंदों ने एग्जाम दिया था जिसमें से 10,000 का तो नंबर आ ही जाएगा दोस्तों, ठीक है, नो टेंशन बिंदास रहिए दोस्तों। पर ऐसा करेगी नहीं, गवर्नमेंट के पास बजट नहीं है कोरोना के हिसाब से दोस्तों, ठीक है। तो अपनी वैकेंसी है जो अच्छी खासी इंक्रीज हो गई है, अपने पास प्रूफ मिल गया है दोस्तों, रिजल्ट ही आपका बहुत जल्द जारी होने वाला है, ठीक है दोस्तों। अब बारी आती है, बस दोस्तों इतनी ही पोस्ट का दे रखा है यहाँ, और बाकी सब पोस्ट वाले क्या कि छोटी पोस्ट थी तो इन पोस्टों का ही मंगाया गया था कोर्ट में, इन्होंने डाटा पेश किया था दोस्तों। और इस डाटा का पेश किसके सामने, इनका एक वकील था जिसका नाम दे रखा है दोस्तों, मैं आपको बता दूं राकेश शुक्ला नाम है, ठीक है दोस्तों। और ये दे रखा है डिजिटल सिग्नेचर बाय राकेश शुक्ला, डेट है 28/4/7/2018 को ये नोटिस पेश हुआ था दोस्तों हाई कोर्ट के अंदर दिल्ली में, और 19:19:30 पर, यानी शाम को 5:30 पर, ठीक है दोस्तों। और ये पूरा दे रखा है अपलोडेड बाय डेट ऑफ प्रिंटिंग बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रेस रिंग रोड मैयापुरा न्यू दिल्ली, ठीक है, एंड पब्लिक बाय द काउंसलर ऑफ पब्लिक दिल्ली 11/54। तो दोस्तों ये नोटिस बिल्कुल फर्जी नहीं है दोस्तों, ठीक है, आप नो टेंशन बिंदास रहिए, इस बार है ना अच्छी खासी वैकेंसी है आपके पास। तो दोस्तों मैं आप सभी को वैकेंसी के बारे में डाउट हो गया, क्लियर हो गया, अब बारी आती है कि सर जल्दी से बता दो, पोस्ट तो बहुत इंक्रीज हो गई है, अब रिजल्ट कब आएगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि रिजल्ट आपका बहुत ही जल्द जारी होने वाला है, और 15 जून से पहले पहले आपका रिजल्ट 100% आ जाएगा दोस्तों। और अभी तक आपका डाउट क्लियर हो गया है, ट्रेड टेस्ट के नंबर हैं जो मेरे हिसाब से 100 में से 90% नहीं जुड़ेंगे, 10% मैं नहीं बता सकता दोस्तों, ठीक है, क्योंकि दोस्तों गवर्नमेंट है कुछ भी कर सकती है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि मेरा वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब बनता ही है तो ज़रूर, और नेक्स्ट वीडियो मेरा जो कोई भी मुझे RTPP के बारे में सूचना मिलती है जल्द आप तक पहुंचूंगा दोस्तों। तब तक के लिए मैं मांगता हूं आपसे इजाजत, जय हिंद, जय भारत, राम राम दोस्तों।